साथियों बहुत खुशी का पल है कि 1992 के बाद में आज करीबन 32 वर्ष बाद में मैं मेरी जन्मभूमि पर हूँ। एक प्रसंग मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भगवान राम जो है जब लंका को विजिट करते हैं और लक्ष्मण जो है वो ये कहते हैं कि भैया ये सोने की बनी हुई लंका है, अब हमें वापस जाने का क्या प्रयोजन है। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि जो है वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। आज मेरे साथ हैं मेरे पिता तुल्य बड़े भाई, जिन्होंने शिक्षा संस्कार तो न जाने कौन से संचित कर्मों से प्राप्त किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये उनके जो मेरे साथ चल रहे हैं ये इनके आदर्श हैं, जिनके आदर्शों पर हमारे पिताजी के आदर्शों पर चलते हुए हम लोग जीवन में आगे बढ़े। अभी अभी मैं बता रहा था कि ये जो आप देख रहे हैं पीछे ये हमारी आरंभिक पाठशाला है, जहां पर हमने जो हमारी भारतीय संस्कृति में जो हम अक्षर को ब्रह्म मानते हैं उसकी ब्रह्म मानकर के उपासना करी थी। देखिए मैं आपको मिलाना चाहूंगा, ये अत्यंत ही प्रिय और छोटे भाई हैं डॉक्टर रावत। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा ये सोशल मीडिया का जमाना है, यश होम्योपैथी एक बहुत बड़ा सेंटर है। होम्योपैथ में पूरे न केवल राजस्थान में अपितु संपूर्ण भारतवर्ष जो है उस इनके अनुगामी भी हैं, अनुयायी भी हैं और चिकित्सा जगत में एक बहुत ही सेवा के साथ काम कर रहे हैं। ये हैं सुखदेव साथियों, इनसे आप सब मुखातिब हैं शायद। मुझे लगता है, मैं कई बार कहता हूं कि संचित प्रारब्ध और क्रियमाण न जाने कौन से कर्म होते हैं जिसके कारण हमें कर्म करने की प्रेरणा मिलती है, भगवद गीता भी यही कहती है। लेकिन मैं आपको संक्षेप में कहना चाहूंगा कि चरैवेति जब हम चलते रहते हैं सत्कर्म करते हुए तो बहुत आगे बढ़ते हैं। और सुखदेव को आप सब साथी जानते हैं कि इतिहास विषय में बहुत जो है स्पष्टता के साथ एक वैचारिकता के साथ में पढ़ाते हैं। मेरे जो है पुत्र हैं साथ में, मैं देखिए आप सभी मेरे परिवार के जो जन हैं उनसे मिलाना चाह रहा हूँ, ऐसा कोई अवसर जो है वो मिला है। ये है महिपाल, जो है उम्र में जरूर छोटा है लेकिन गुणों में और कृतियों में और हौसले में बहुत बड़ा है। देखिए जन्म मृत्यु आयु विद्या और यश, ये पांच चीज़ें उस वक्त लिख दी जाती है जब बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा होता है। आज हम लोग वहाँ पर हैं जहाँ हमारा बचपन बीता और जहाँ हम जिन गलियों में खेल करके बड़े हुए। मित्रों ये वीडियो केवल इसलिए शूट कर रहे हैं कि इतने लंबे अरसे बाद करीबन 32 साल 35 साल बाद में हमें आज सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये हम दिखाना चाह रहे हैं कि जो आज के विद्यार्थी जो कॉन्वेंट एजुकेटेड होकर के और किस प्रकार से जीवन में जो है वो ये कहते हैं कि हमें सुविधाएं नहीं मिली, जो कहते हैं कि हमारे पास अभाव है, जो कहते हैं कि हमारे पास अच्छे गुरु जी नहीं थे। ये हमारी वो पाठशाला थी जहां पर हमने आरंभिक अक्षर ज्ञान किया और इसलिए निश्चय ही ये जो क्षण है ये बिल्कुल भावुकता वाला क्षण है। मुझे याद है, ध्यान है कि यहां से कोई 2 किलोमीटर के आसपास जो है वो ढाणी हुआ करती थी और हम दोनों बचपन के मित्र जो हैं वो हम यूं कहिएगा कि वैसे भाई जो है बाद में है मित्र पहले है, तो जो है हम पैदल आया करते थे दूध लेकर के और यहाँ एक जो है होटल हुआ करती थी उस पे दूध बेच दिया करते थे और इस प्रकार यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ बैठते थे और बैठ करके जो है वो प्रार्थनाएं करते थे और आरंभिक जो शिक्षा हमारी थी 5वीं क्लास तक की वो सारी शिक्षा यहाँ पर हुई। बहुत सारी स्मृतियां यहाँ पर जुड़ी हुई है, लेकिन एक और जबरदस्त स्मृति है, देखिएगा ये जो मंदिर है उस मंदिर के पीछे जो है आप ये जो झरोका देख रहे हैं उसके ऊपर जिसको हम राजस्थानी में छज्जा कहते हैं, वो छज्जा जो है हम दोनों जो है एक दिन जो है वो खेल रहे थे और खेलते खेलते जो ऐसी दुर्घटना हुई कि वो छज्जा टूट करके हमारे ऊपर पड़ गया था, तो इसलिए हम आज उस बात को याद कर रहे थे। मित्रों ये कहना चाहूंगा कि जीवन में आप कैसे पैदा हुए हैं, आप जीवन में किस परिस्थिति में पैदा हुए हैं ये कोई मायना नहीं रखता, मायना ये रखता है कि आपके जीवन में जज्बा कितना है आगे बढ़ने का और श्रद्धा कितनी है। ये वो मंदिर था जहां पर आकर के हम सदैव प्रार्थना किया करते थे
और शायद मुझे लगता है कि इन मंदिरों में और इस भूमि में और इस मिट्टी में वो ताकत थी कि ये हमारी क्षमता तो नहीं थी जो तीनों साथी हम जो देख पा रहे हैं। ये चिकित्सा जगत में जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। सुखदेव जो है वो अपने आप में शिक्षा जगत में अलग जगाने वाला बना। और मैं आप सभी साथियों के सामने हूँ, हालांकि मेरा विषय हिंदी और संस्कृत है, लेकिन संपूर्ण उत्तर भारत के विद्यार्थी जो हैं आप मुझे स्नेह करते हैं। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर रावत जो हैं वो भी जो हैं अपनी स्मृतियां जो हैं वो आप लोगों को बताएं। तो बात कर रहे हैं हम लोग, बचपन हमारा यहीं बीता, सब कुछ यहीं, जो बेसिक बात कर रहे थे कि बेसिक एजुकेशन सारी यहीं से हुई। और आप देख सकते हो ये वो स्कूल जैसा भी बताया, यहीं पे हम लोगों की इसको घुमा कर इस पूरी स्कूल में हमारी बेसिक एजुकेशन हुई। ये जो है हमारा एसी हॉल होता था, ये पीपल का पेड़, इस पेड़ के नीचे हम लोग यहाँ पे दरी बिछा के बिछाई जाती थी दरी, और हम लोग यहाँ बैठते थे। अभी जो आप एसी रूम देखते हो स्कूल्स के अंदर, और फिर कहते हैं जैसा भी बात कह रहे थे उस स्कूल में वो फैसिलिटी नहीं है, वो नहीं है, सब कुछ हमारा ये गाँव था। यहाँ दरी बिछा के हम लोग पढ़ते थे, बारिश होती थी या वैसा कुछ होता था अंदर आ जाते थे, और अदरवाइज जो है बाहर ही क्लासेस लगती थी। और उस टाइम जो है काफी कुछ, कई बार मुझे एक और याद आ रहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मुझे करेक्ट करना, वहाँ एक फैसिलिटी होती थी कि चावल खिलाए जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। छुट्टी से जब हमारी छुट्टी होती थी उससे पहले यहाँ पर जो है बच्चे ही हम लोग हमारे टीचर्स के और घर से हम लोग हमारी थाली और घी खुद लेके आते थे, चावल और चीनी यहाँ से मिलती थी। तो अभी जो हम मील देखते हैं वो हमारा यहाँ मील होता था, और यहीं से ये सारी शुरुआत। और वापस आज हम लोग आए हैं तो मतलब अंदर से फीलिंग, अंदर से भावनाएं, और वही बचपन को याद करने की कोशिश। तो ये कुछ एक स्टोरी थी छोटी सी जो हम सब जो है आपके साथ शेयर करना चाहते थे। केवल सवाल इतना है, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि पूरी शिद्दत, परिश्रम, मेहनत के साथ, निष्कामता के साथ जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प यदि हम लेते हैं तो वो हर चीज जो आपके मस्तिष्क में आती है उसके स्वामी आप हैं। इस जगत को रास्ता दिखाएं, राष्ट्र को रास्ता दिखाएं, अपना जीवन जो है उसकी उपादेयता राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए यदि होगी तभी हमारा जीवन निश्चित रूप से सार्थक होगा। नहीं तो हम जानते हैं जातक से ही ध्रुव मृत्यु, जन्म मृत्यु दुर्वस, बहुत आते हैं, बहुत चले जाते हैं। लेकिन इस मिट्टी को मैं निश्चित रूप से प्रणाम करता हूँ, जिस मिट्टी के कारण जो है यहाँ से हम जाकर के जो है माँ सरस्वती की अनंत कृपा हुई, पूर्वजों का जो है कृपा प्रसाद हमें मिला, और निश्चित रूप से कृतार्थ हैं कि ये मैं मेरे हृदय के भाव बता नहीं सकता कि हृदय में किस प्रकार आज इसको देख करके उमंग है, उत्साह है। और प्रयास करूंगा कि ये जो ऋण जो है, ये मातृभूमि का जो ऋण है वो हम सब मिलकर के, ये आप चेहरे देख रहे हैं, सब अपने अपने क्षेत्र के बड़े महारथी हैं, और मिलकर के निश्चित रूप से इस ऋण को हम चुकाएं। ये आपका स्नेह और प्यार बना रहे हैं और ईश्वर की कृपा बना रहे। नमस्ते, धन्यवाद।